नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्वालियर के रहने वाले दो बच्चों की नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि शादी समारोह में आए एक नाबालिग और युवती नहाते समय सिंधु नदी के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल गिजोरा थाना क्षेत्र के गांव सिलेटा में शादी समारोह में आए ग्वालियर निवासी अमन बाथम, पुत्र सुरेश बाथम उम्र 12 वर्ष, निवासी किला गेट ग्वालियर छुटकी, उर्फ काजल मांझी पुत्री पप्पू मांझी उम्र 18 वर्ष, निवासी किला गेट ग्वालियर, अपनी दादी एवं अपनी मां के साथ अपनी रिश्तेदारी में शादी समारोह में आए हुए थे। वहीं सुबह होते ही दादी विमला मां किरण के साथ नदी पर नहाने के लिए पहुंचे, जहां दोनों बच्चों ने नदी में नहाते समय डूब गए और डूबने से दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। जिसे पूरे मामले की जांच स्थानीय लोगों को लगी तो पूरे गांव में मातम सा पसर गया। घटना की जानकारी लगते ही गिजोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर बच्चों के शवों को कब्जे में कर पीएम के लिए डबरा रवाना कर दिया गया है। साथ ही थाना प्रभारी शक्ति यादव मौके पर पहुंचकर बच्चों के माता पिता को संवेदनाएं दी है। डबरा से ओम बाबू के साथ पिछोर से जाकिर खान की रिपोर्ट। हम लोग इनके यहाँ पे आए थे, क्या नाम है, बात देने के लिए। जैसे हम लोग थे घर पे तो लड़का लड़की दोनों बच्चे मतलब नदी में नहाने चले गए और इनकी मई वगैरह गई होंगी। अब बच्चा खेलते खेलते दोनों भैया बहन भैया नदी में चले गए। हमें तो बाद में मालूम पड़ी, हम लोग घर पे थे, फिर हम दौड़ के गए एंड डूबे नदी में, घुस कर निकाल के लेके आए मोड़ी मोड़, लेकिन कुछ नहीं था। उनपे घटना ऐसी नहीं है। बाथम अपने परिवार के साथ ग्राम सिलेटा में गंभीर सिंह बाथम के यहाँ शादी में आए हुए थे। सुबह उनकी उनका लड़का एवं साढ़ू की लड़की दोनों नहाने नदी में चले गए और पानी में डूब के खत्म हो गए।